डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पावर। मैं सुमित आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीएसई क्लास 10th के 2019 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। तो आज एक्सरसाइज हमारी होगी 15, यानी चैप्टर नंबर 15, यानी 15 के चैप्टर की हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 की एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले लर्न हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इसमें कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद में जो है सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में जो जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप ध्यान दीजिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 15.1, यानी चैप्टर 15 था उसमें एक्सरसाइज 15.1 में एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आती है एक्सरसाइज 15.1 के अंदर क्वेश्चन की बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार, क्या है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्र 154 वर्ग सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि हमें ज्ञात करनी है, यानी सर्कमफेरेंस हमें ज्ञात करनी है। गिवन क्या है, एरिया गिवन है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ वर्ताकार जो भी प्लेट है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। सिंपल चीज में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमें गिवन है कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ताकार प्लेट है, इट मीन्स क्या, एक सर्किल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं। काफी अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया एक सर्किल। अब सर्किल की ये सेंटर होगी और सेंटर से सर्किल की सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, आर होगी, जिससे हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे आर गिवन है, हमें आर गिवन नहीं है, और जब तक हमें आर गिवन नहीं होगी तब तक हम ना तो एरिया निकाल सकते हैं ना ही सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ये वाला पोर्शन जो बाहर का जो राउंड है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और एरिया वो होता है जो अंदर का पार्ट है, मतलब पूरा एरिया, ठीक है। फिल्मों में आपने सुना होगा ये एरिया मेरा है, इट मीन्स क्या कि जो एरिया है मतलब जो इलाका है वो पूरा कंप्लीट उसका है, और सर्कमफेरेंस मतलब बाहर की जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, बॉर्डर जिसको बोला जाता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो हमें अब यहां से रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें एरिया गिवन है, ठीक है, तो वर्त के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 154, क्योंकि भाई ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो एरिया को एरिया के इक्वल कर दिया, सिंपल ही तो था, तो कर दिया मैंने। अब पाई की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 154। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 154। ये 7 इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये 22 जो था वो इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 7 हो गया, 7 जा 49, क्या होता है 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो बाबू यहां से आर की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, 49, तो जो कि क्या होता है 7। इट मीन्स क्या हुआ कि आर की वैल्यू हमें यहां पे मिल गई 7, यानी कि रेडियस हमारी कितनी होगी, 7 होगी। क्या अब हम सर्कमफेरेंस नहीं निकाल सकते, मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन शर्त है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप सारी चीजों को कवर कर पाते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें
हो सकता है उन्हीं में से आ जाए एग्जाम में, तो आप लोगों की तो मतलब निकल पड़ी फिर तो। चलिए देखते हैं। तो अब हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया था कि वर्त की परिधि बताइए, यानी जो वर्ताकार प्लेट है उसका क्षेत्रफल इतना था तो उसकी परिधि हमें बतानी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, इतना टाइम है तो इजी पढ़ा है हम, निकाल लेंगे, हमें तो आता है। लेकिन जिनको आता है उनको इजी लग रहा है, लेकिन जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए मतलब लिए तो नहीं कर रहा, हम जीरो से उठा रहे हैं और 100% तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहां से हमारी शुरुआत है, इसलिए कोई भी ये नहीं सोचे कि सर ये क्या मतलब क्या करवा रहे हो आप। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा मतलब धीरे धीरे आपको आगे लेवल बढ़ाऊंगा, तो जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। अब देखिए आर की वैल्यू ये होगी, अब हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, यानी वर्त की परिधि। ठीक है, वर्त की परिधि क्या होती है, फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 × 22/7 और r की वैल्यू तो आप सबको पता थी 7 थी, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 22 यानी 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 44 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है उसको मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 3.5 मीटर है, यानी एक वर्ताकार घास का मैदान दिया गया है और ये क्वेश्चन 15.1 में ही है, आगे जब भी एक्सरसाइज में चेंज करूंगा तो आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो 15.1 में है और क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। अब देखिए कंप्लीटली अपन इसको सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, मतलब 8 आ गया है। ठीक है, ये हो गया 8। अब देखिए क्या बोला गया, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी रास्ता बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक बात करता हूं, यानी एक वर्ताकार घास का मैदान है तो भाई ये हो गया वर्त। ठीक है, ये हो गया वर्त, समझ रहे हैं आप हमारी बात को, जिसकी रेडियस आपको कितनी दी गई है 35। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस घास के मैदान की, मतलब वर्ताकार घास है, इसमें घास उगा हुआ है, यहाँ पे कोई घोड़ा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो अलग बात है। ठीक है, हो सकता है गधा भी चल रहा हो। तो अब यहाँ पे ये हो गया वर्त, यानी वर्ताकार घास, अब इसके चारों ओर 7 मीटर रास्ता, मतलब ये यहां से यहां तक का 7 मीटर, ये यहां से यहां तक का 7 मीटर, ये यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंप्लीटली इसके ऐसे चारों ओर 7 मीटर रास्ता बना हुआ है, ये सारा क्या है 7 मीटर है। समझ पाए आप हमारी बात को। तो अब हमें क्या करना है, ये एरिया जो है, कौन सा एरिया, ये जो मार्ग जो रास्ता बना हुआ है इसका एरिया हमें बताना है। आप समझ लीजिए पार्क है, पार्क के राउंड का जो पीछे का होता है, मतलब राउंड वाला जो हिस्सा होता है उसका एरिया आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक ही सेंटर से दो वर्त बन रहे हैं, एक वर्त तो ये हो गया, दूसरा वर्त ये हो गया। एक वर्त की जो रेडियस है वो मुझे पता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर वन बोल रहे हैं। ठीक है, आर वन इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड आर टू कितनी हो जाएगी, आर टू हो जाएगी 35 + 7। क्यों 7, क्योंकि ये 35 थी, अब यहां से यहां तक की 7, तो भैया रेडियस तो यही होती है, तो 35 + 7 कितने होते हैं 42 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है मीटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल, तो जब भी हमें बोला गया है यानी जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, ये बड़े वाला जो वर्त है, ठीक है, जो बड़े वाला यानी जो 42 जिसकी रेडियस है, अगर उसके एरिया में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई
आर वन का स्क्वायर। समझ पाए होंगे आप हमारी बात को। तो यहां से पाई को जो है कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या मिला, आर स्क्वायर टू माइनस आर वन स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या लिख लेंगे यहां पे, पाई आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन, गॉट इट। चलिए तो यहां तक क्लियर होगा आपको ये चीजें, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन 7 है, आर टू की वैल्यू आपको पता है 42 है, प्लस आर वन की वैल्यू 35 है, इंटू आर टू की वैल्यू आपको पता है 42 है, माइनस 35 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 22 अपॉन 7 इंटू 42 प्लस 35 कितना होता है, 527, मतलब 77 ये हो गया, इंटू 42 में से भैया 35 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 7, ठीक है, केवल 7 मिलता है। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, जब भी हम 22 को, मतलब ये 22 आ गया इंटू 77, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए वो आपको बता देता हूं, आपका आंसर होगा 1694। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखा था, तो 1694 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो ओरल टाइप आप उसको बोल सकते हैं, जैसे आपको बोला गया दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी दो सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं जो एक ही केंद्र से बनाए जाएं, उन्हें सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। जैसे ये एक ही केंद्र से बनाया गया था, एक ही सेंटर था, तो ये दोनों क्या हो गए, सकेंद्रीय वर्त हो गए। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में या दो नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का, यानी ये एक सर्किल ये दूसरा सर्किल, दोनों एक ही सेंटर से, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ करके दिया है ये, इतना इतना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक कर सकते हैं इसको शेयर, ताकि उनको भी जो है समझ में आ जाए सारी चीजें, अकेले अकेले नहीं पढ़ते हैं, सबको शेयर करते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पहले मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 15.2 में अब आया, 15.1 में केवल 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।